किस चीज को हम संविधान कहते हैं यार, की जरूरत पड़ेगी किस देश के, किस देश को संविधान की जरूरत, की जरूरत हो, ये तो हमारे पास संविधान है। अरे यार एक बात बताओ, अरे पूरी दुनिया में जो संविधान बने होंगे, सुन लो ध्यान लगा कर, पूरी दुनिया में जो संविधान बने होंगे क्यों जरूरत पड़ेगी इनकी? पहले क्या चलता था, पहले पता क्या था, पहले कोई नियम नहीं आता, कोई कानून नहीं आता, सिर्फ भगवान जी थे, लोग भगवान से डरते थे, भगवान जी ही कानून थे। सही बात क्या, एक फिलोसोफर बताते हैं, दार्शनिक बताते हैं, फिलोसफी पढ़ने, जब हम फिलोसफी पढ़ रहे थे तो फिलोसोफर बता क्या बताते हैं, फिलोसोफर बताते हैं कि जब दुनिया में नियम कानून नहीं है थे, तब लोग भगवान से डरते थे, और भगवान का नाम लेकर किसी को भी डराया जा सकता था। भूत प्रेत पैदा किए गए थे, भगवान पैदा किए गए थे दुनिया में, अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग भगवान थे। क्यों थे वे? इसलिए थे ताकि लोगों को डराया जा सके। या लड़की कल को चोरी करते हुए डरोगी तो किससे डरेगी? भगवान माफ नहीं करने का, तो भगवान को कानून के रूप में देखा जाता था। सही बात यार, क्यों कि अगर यह लड़की किसी का कत्ल करने चली तो किससे डरेगी? नहीं नहीं, भगवान इसे माफ नहीं करने का, इसे पाप चढ़ेगा। और तुम क्या करते हो, सुबह शाम उठ के पूजा पाठ करने लगते हो। सही बात यार, तो इतना लॉजिक चाहिए, ये लॉजिक है इसके पीछे का। एक दार्शनिक बताते हैं, मेरा कहना नहीं है। सही बात है, एक दार्शनिक का कहना कि जो कि भगवान की उत्पत्ति इसलिए की गई थी ताकि समाज के अंदर व्यवस्था पैदा करी जा सके। और जो जब नियम कानून पूरी दुनिया में कहीं नहीं संविधान आता यार, तो क्या करते थे लोग? डराने के, लोगों को डराने के लिए भगवान की उत्पत्ति की गई थी, भगवान को बनाया गया था। समझ आई बात यार, भगवान को क्यों बनाया गया था? भगवान को बनाया जाता था किसी को, जंगल को बचाने के लिए, कोई बहुत घना जंगल हो ताकि लोग उस जंगल को ना काटते, उसमें क्या कहा गया था, इसमें एक बहुत बड़ा भूत रहता, इसे मत काटना। अरे एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, यही तो उनके पास, और कोई फंडा ही नहीं आता उनके पास। उस समय का समाज क्या करता, अलग जगह अलग अलग भगवान बनाए गए थे। तुम बताओ मुझे, भगवान शिव को चाइना में जानता होगा? नहीं जानता होगा, तो फिर लॉजिक पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि भारत के लोग तो सारे गधे हो चुके, तमीज तो है नहीं इनमें बिल्कुल भी, क्या करना, क्योंकि इतनी पढ़ाई कभी करने के लिए। सही बात है, तो बताओ चाइना के भगवान को यहाँ जानते होंगे? क्यों जानेंगे हम चाइना के भगवान को यहाँ से? सही बात है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग भगवान, तुम पहाड़ों पर चलो, कुछ भगवान ऐसे हो तुम अभी जानते नहीं होंगे बिल्कुल भी। क्यों बनाए गए? ताकि उनका नाम लेकर समाज के अंदर व्यवस्था पैदा करी जा सके, डराया जा सके। जमाना बदलता, वक्त बदलते, हालात बदलते हैं, क्या बदलते हैं जमाना, वक्त और हालात बदलने के साथ पता क्या होता, 18वीं, 19वीं, 17वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी के बाद भगवानों वाली धारणाएं थे, धीरे धीरे कम्युनिस्ट स्टार्ट होगी, लोगों का भगवानों पर ट्रस्ट कम हुआ। सही बात है, लोगों को समझ में आने लगा इसी तरह कि भगवान की उत्पत्ति की गई, भगवान है था नहीं, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिक पैदा हुए और उन्होंने समाज के अंदर जागरूकता पैदा करने का प्रयास करा अलग अलग अपनी थ्योरी देकर, तो लोगों को समझ में आने लगा। तो फिर उसके बाद पता क्या हुआ, तब जाकर फिर कानून बनने स्टार्ट हुए पूरी दुनिया में, या पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। सही बात है, पूरी दुनिया में फिर नियम और कानून बनने स्टार्ट हो गए, नियम लोगों ने नियम बनाने स्टार्ट कर दिए, फिर कानून बनने स्टार्ट हो गए। पहली दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे पहली बार नियम और कानून बनाने वाला देश है ना, उसका नाम ब्रिटेन या इंग्लैंड है। उन्होंने पूरी दुनिया को कानून बनाना सिखाया, कानून सबसे पहली बार वहीं बने जितने भी आते हैं, नियम कानून। और नियम कानून क्यों बनाया जा, कल की लड़की इसे भी कह दे कि तू तो छोटी जाति की, इसी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर दे, यानी कहेगी इस पर SC/ST एक्ट लगा दूंगी मैं। SC/ST एक्ट लगा दिया, क्यों? तो क्यों डरेगी SC/ST एक्ट, इसे अब शब्द नहीं बोलने की, क्यों नहीं बोलने की? क्योंकि इसे SC/ST एक्ट का डर, एक्ट क्या, कानून विधि है, लो हो, कहाँ जाएगी, थाने में जाएगी, थानेदार क्या करेगा, SC/ST मुकदमा दर्ज करेगा। अगर ना होता तो फिर ऐसे कुछ भी बोल देती, नहीं बोल देती, यही कारण है। उस समय के समाज में क्या था, उस समय के समाज में भगवान का नाम लेके लोगों को डरा जाता था। सही बात यार, और अच्छी भी तो है थी बात यार, इसलिए आइंस्टीन ने क्या कहा था, कह रहा दुनिया में भगवान नहीं है ना, स्थापित कर दो। क्यों कर दो? इस समाज में व्यवस्था पैदा करी। आइंस्टीन वैज्ञानिक था, वैज्ञानिकों ने आज नहीं माना, आज तक किसी ने नहीं माना कि दुनिया में भगवान है, उसने मान लिया कि जो अगर समाज में ना व्यवस्था पैदा करनी तुम, वही बात है, व्यवस्था पैदा करने के लिए बहुत जरूरी होगा कि भगवान को स्थापित कर दो, फिर भगवान को उन्होंने जानबूझकर स्थापित कर दिया, और बहुत जरूरी हो भगवान। सही बात है, इसका नाम लेकर लोगों को डराया जा सके और समाज के अंदर व्यवस्था पैदा करी जा सके। लोग एक दूसरे का पाप करने से भी डरेंगे, एक दूसरे का मतलब पाप कुछ भी हो समाज के अंदर, एक दूसरे को बुरा करने से भी डरेंगे, झूठ बोलने से डरेंगे, ये तो एक व्यवस्था होगी, एक दार्शनिक का कहना होगा, जो मुझे यहाँ रिलेट करनी थी समझा दिया मैंने। अच्छा सर, अब बताओ क्या हुआ, अब ये हुआ संविधान, किस चीज को हम संविधान कहते हैं? अब आधुनिक तौर पर जाओ, मॉडर्न टाइम आ जाओ, ये पुरानी पुरानी बातें छोड़ दो, अब जाओ, अब क्या करना? तो संविधान इतना तो पता लग चुका, तो संविधान एक प्रकार का पता क्या हो, संविधान एक प्रकार का क्या हो, संविधान एक प्रकार का कानून ही हो, और किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून हो, उससे बड़ा कोई कानून नहीं होता। समझी बात है, अगर पूछे तुमसे कोई संविधान क्या है, एक प्रकार का एक्ट हो, कानून हो, अच्छा सबसे बड़ा कानून, हाँ सुप्रीमेसी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीमेसी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीमेसी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार का सबसे बड़ा कानून है। यस और नो?